प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इच्छुक दावेदार अपनी उम्मीदवारी प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू कर चुके हैं। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के दावेदार अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दावेदारी हेतु आवेदन पत्र जमा करना शुरू कर दिया है। राज्य भर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं व नेताओं के लिए उम्मीदवारी की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सोमवार को वर्तमान दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक तामधर साहू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुनः अपनी दावेदारी का आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दिया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से 6 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। आपको बताना चाहेंगे कि इन दावेदारों में जयंत देशमुख, जो दुर्ग ग्रामीण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विगत 3 चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला पंचायत सभापति योगिता चंद्राकर ने भी अपना आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को दिया है। देखिए, पूरी एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन लगभग 70 के करीब है। और ब्लॉक अध्यक्ष जी लोग जो है उसकी सूचीबद्ध करके जब सूची सौंपेंगे उसके बाद में उसकी जानकारी दे पाऊंगा, लेकिन लगभग लगभग 70 लोग ने आवेदन किया हुआ है वैशाली नगर विधानसभा में। हाँ, मैंने भी अपना आवेदन तो जमा किया है। जैसा कि कांग्रेस ने हम लोगों को एक हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर इसको अधिकार जो दिए हैं कि अपनी आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो मैंने भी अपना उसमें भाग लिया हुआ है। क्या मान के चले इस आवेदन प्रक्रिया को कि ये फिक्स है इनका? नहीं, इसके आगे की प्रक्रिया हाईकमान की रहेगी। इसके यहाँ तक की प्रक्रिया हम लोग की रहती है, उसके आगे की प्रक्रिया हाईकमान की। कांग्रेस के रीति निवाज के हिसाब से मैंने भी अपने जिला अध्यक्ष को वैशाली नगर विधानसभा से प्रत्याशी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। बताएंगे ये हमारे अभी छत्तीसगढ़ के हम किसान कांग्रेस की ओर से हम लोगों ने अपना वैशाली नगर विधानसभा का हम लोगों ने फॉर्म भरने आए हुए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा आदेश है कि इस बार बिल्कुल नए लोगों को, नए चेहरे को और काम करने वाले जमीन से जुड़े लोगों को टिकट का दिया जाएगा। तो उसी में एक प्रयास है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार शहर का, प्रदेश का विकास किया है, एक नई उम्मीद जागी है युवाओं को कि युवाओं को भी नया मौका मिलेगा। और इस बार एक बेहतर काम हमारे सरकार ने किया है, जो युवाओं को मौका दिया है, जो बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस से आता हूं और हम एक छोटे विंग से आते हैं, तो उनमें भी हमको माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक अच्छा मौका युवाओं को और लोगों को अवसर दिया है। जो छोटे छोटे इकाइयों से भी जो लोग आते हैं, जो किसी भी संगठन मोर्चा से भी आते हैं, वो भी अपनी टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, क्या लगता है इस बार मौका मिलेगा? नहीं, इस बार बिल्कुल हमारी कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से बिल्कुल प्रदेश में आ रही है, और प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस की एक लहर रहेगी। और जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, युवा है, युवा साथी हैं, और जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार का प्रदेश के विकास के लिए काम किया, चाहे बस्तर हो, अंबिकापुर हो, कोरबा हो, जसपुर हो, बेलाडीला से लेकर हर जगह देखेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया काम किया। आपको लेकर कितना आश्वस्त है? मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन आश्वस्त पूरे तरीके से हूं। पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, मैं उस जिम्मेदारी पर खरा उतर के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने बड़े बड़े अभियान चलाए हैं। और 1,00,000 हस्ताक्षर अभियान मैंने, चाहे धान की खरीदी हो, कोविड के दौरान हो, चाहे कृषि का मुद्दा हो, उर्वरक का मुद्दा हो, हर मुद्दे में, चाहे ईडी का मुद्दा हो या इनकम टैक्स, हर मुद्दे मैंने अब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। और हम किसान संगठन से आते हैं, हर लड़ाई को लड़ना जानते हैं, और प्रदेश सरकार को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों और युवाओं के साथ बिल्कुल तत्परता से खड़े हैं। इस बार अगर मौका नहीं मिला तो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि आप लोग कार्यकर्ता हैं और अपने आप में स्वयं आप लोग हर काम कर सकते हैं। तो उनका एक दिशा निर्देश और एक संतुष्ट सरकार और लोग, हम मैं तो किसान संगठन से आता हूँ, तो जो कि किसानों के लिए जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनका तो हम ऋण कभी चुका नहीं सकते। आज देखेंगे पूरे प्रदेश में 2,800 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी होगी, आने वाले समय में और भी वृद्धि होगी, तो इनको लेकर बहुत हर्ष होता है, खुशी होता है। और आपने देखा होगा कि स्वामीनाथन कमेटी के बार बार केंद्र सरकार जिक्र करती है, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाई। उनसे बढ़कर अगर किसी ने काम किया तो हमारी कांग्रेस की पार्टी ने किया, जो किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर बस्तर से लेकर अनेक पूरे प्रदेश में आज देखेंगे तो एकदम खुशहाली की लहर, और कांग्रेस पार्टी पूरी बहुमत के साथ में पूरी सरकार बनाएगी। ठीक, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जैसे ब्लॉक अध्यक्ष जी को
एप्लीकेशन देना था, दावेदारी करना था उनके समक्ष। तो आज हमने ब्लॉक अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी मुकेश चंद्राकर जी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, विधायक की दावेदारी की है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपना अधिकार जो मिला है उसके तहत दावेदारी की जा रही है। बहुत ही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है, उसी के तहत आज मैंने भी अपनी दावेदारी की है। और मैं युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव हूँ, युवा कांग्रेस और सभी युवा साथी हमारे साथ हैं, और वैशाली नगर की जनता ने हमें प्रेरित किया और कहा कि आप भी दावेदारी कीजिए। तो मैंने जनता की बात सुनी, अपने युवा साथियों की बात सुनी और मैं भी आज यहाँ पे दावेदारी करने आया हूँ। गौरतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री तामधन साहू की दावेदारी करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रश्न चिन्ह जहां डालता है वहीं काफी असर भी डाल सकता है। प्रदेश के गृह मंत्री की दावेदारी करना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत पर असर डाल सकता है, जिसे देखते हुए विपक्षी दल को इस सीट के लिए किसी दिग्गज अनुभवी को दावेदारी में उतारना होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।